हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेन व्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगा हार्वेस्टर मशीन को जो कि धान की कटाई कर रहा है। देख रहे हैं धान की कटाई की हुई है। ये तो ऐसे ही धान की कटाई होती है, अगर हाथ से नहीं करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। ये है ट्रैक्टर और ट्राली, इसमें धान भर के जाएगा। देख रहे हैं उसका टायर, खेत गीला होने के नाते ना उसका जो चक्का है ना वो फिसल रहा है। हार्वेस्टर मशीन का ना चक्का फिसल रहा है, लेकिन भाई कटाई करना है तो करना है, वो फिसले चाहे ससुर जो भी हो। आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिसल रहा था। ये देखो मिट्टी बेसिकली गीली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दीपक ड्राइवर बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि धान गिरेगा ना मशीन के अंदर से जो धान कटाई हो रही है, तो पूरा वीडियो बनाओ। ये ट्रॉली देख रहे हैं आप, इसी में सारा धान इकट्ठा करेंगे गिरा के। गिरे यहाँ कहा ट्रॉली जा रही है, वो सामने मशीन है, मशीन में धान इकट्ठा हो गया है। देख रहे हो भाई, नीचे का पूरा जो पोरा होता है ना ऐसे ही वेस्ट होता है। हालांकि इसको सड़ गल जाएगा खेत में तो खाद बनेगा, लेकिन जो भी है भाई यही है। और ये रहा हार्वेस्टर मशीन, अब इसके अंदर ये भरा जाएगा। देख रहे हो ये सारा धान है। गुंडा बना हुआ देख रहे भाई, ये देख लो मशीन कैसा हो रहा मशीन। ट्रॉली ट्रैक्टर भी आगे चला गया, ये देख रहे बुआ। तो वैसे ही धान काटेगा, उसमें इकट्ठा होता रहेगा। ये ट्रॉली है देख रहे हैं, उसमें धान आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। वैसे ही ट्रॉली में इकट्ठा होता रहेगा, जब सब भर जाएगा तो इसको हम घर लेके चले जाएंगे। बड़ा ही आसान है और टाइम की बचत होती है इससे। लेकिन ये सक्सेस तभी है जो बहुत ज़्यादा आपका खेत रहे, अगर ज़्यादा खेत नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हार्वेस्टर का चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली यही सीन है भैया। वो खम्मा के एंजॉय किया हेयर से आसान पड़ी सिसलन में जे या एकदम पिंच पकड़ के बहुत है सुतल का ना काटी वैसन काट दी सुतल का। देख रहे दोस्तों यही धान है, उतना सुतल धान काटी कि ना, ये मेहनत से कमाई हुई धान, कितना बारीक तरीके से एक एक धान को अलग कर दिया है ना, है ना सारा चीज। थोड़े इसके अंदर कीड़े मकोड़े और गंदगी भी दिखाता हो, ये देखो मशीन अच्छी क्वालिटी की, मशीन अच्छी आकाश कंपनी की 930। देख रहे हो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, धान अलग है। ये देखो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ,
आकाश कंपनी की मशीन बहुत ही पावरफुल मशीन धान की कटाई करते हुए और जबरदस्त आकाश। ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ मैं आर्यन दीपक असिस्ट करते हुए, मुझे मजा आ रहा ना। यही है भैया गांव, बहुत साल बाद हम गांव में आकर रहे थे, खेती वेती कूल कर रहे थे, देखा देता लेकिन मजा आ रहा है ना। वो बगल में चचा बब्बा लोग खड़े हैं, उस मशीन वो मशीन ऐसे ही काटते जाएगी, काटने के बाद उसके अंदर ना धान इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो घुमा के आएगा और ये ट्रॉली देख रहे ना आप, जैसे ये इकट्ठा हुआ ऐसे ही इकट्ठा होता रहेगा, देख रहे हो भाई। कटाई और पिटाई दोनों एक साथ, बारह किराया भी साथ में पूछ रहे हैं। कितना बताओ तुम, एक किलोमीटर का मतलब किलोमीटर के हिसाब से दमन के घर से दूर हो गया यहाँ से लगभग। मन तो कर रहा है एकदम समनवा जाके वीडियो शूट करें, लेकिन मैं भी गड़बड़ा जाऊंगा उसके अंदर, उसके लिए दूर से शूट करना, देख रहे हो। अच्छा तो धान में गंदगी दिखाया था, कीड़ा भी दिखाता हूँ, तो देख रहे हो ये सुग्गा है, इसकी ये इसके अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, लग रहा है इसका घोसला गड़बड़ हो गया, इसको लेना बोलते हैं, ये लेना है, हैं? ये सुग्गा है और ये है लेना। धान में एक प्रकार का रोग है, धान में एक प्रकार का ये रोग है, ये लगता है तो धान की फटने लगती है, मतलब खराब होने लगती है। इसके वजह से पता है धान की पैदावार बहुत कम होती है, पहिया बनता है, चावल पीला हो जाता है, चावल पीला हो जाता है जबकि व्हाइट होना चाहिए। वैसे ट्रैक्टर चालू हो गया है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता हूँ, और ये साइड में लगेगा क्योंकि हार्वेस्टर मशीन में धान इकट्ठा हो गया है वापस से, और ये ट्रॉली में गिराया जाएगा। बताओ चला, पैर निकालने में भी तकलीफ होगा, दीपक का पैर बाहर है, मेरा पैर अंदर, ड्राइवर साहब मशीन चलेंगे हमारी फटेगी, तो जोर लगा के पैर निकालता हूँ। ए या तो आई होप दोस्तों कि आपको हार्वेस्टर से धान की कटाई की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और खूब ढेर सारा शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो दोस्तों उतना शेयर करो।
ये है केलही गांव, आर्यन व्लॉग, बाय।